दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 238 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर मूलाव युहाओ से कहते हैं, युहाओ आज मास्टर तुम्हें बताएंगे कि आखिर क्यों बॉडी मार्शल सोल इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है। हमारी जो मार्शल सोल होती है वो सभी की 6 साल की उम्र में अवेक हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर हमारी मार्शल सोल के ट्रेसेस होते हैं और अगर हमारे पास इनफ सोल पावर होती है तो फिर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग होती है वो मार्शल सोल्स के इवोल्यूशन को दर्शाती है। और तुम्हें ये पक्का क्लियर याद रखना है कि जो बॉडी मार्शल सोल होती है उसकी सेकंड अवेकनिंग के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं और बॉडी सेक्ट इसे 4 लेवल्स में बांटता है। और जब सेकंड अवेकनिंग कंप्लीट हो जाती है और इसके पीछे करीब करीब हर दम मार्शल सोल से लाइट और शेडो कंडेंस होती रहती है और सेकंड अवेकनिंग के बाद जो लाइट एंड शेडो के कलर होते हैं वो एक काफी इम्पोर्टेंट बेसिस होता है। इसकी इफेक्ट्स को डिफरेंशिएबल कलर के साथ मेटलिक क्लस्टर हो तो उसे ब्लैक आयरन अवेकनिंग के सेकंड ग्रेड के रूप में जाना जाता है। और इस अवेकनिंग के बाद उसकी जो मार्शल सोल कॉम्बैट पावर होती है वो 30% से ज्यादा बढ़ जाती है और अगर ब्रोंज लस्टर होता है तो उसे ब्रोंज लेवल की अवेकनिंग माना जाता है। और इसे मार्शल सोल कॉम्बैट पावर जो होती है वो 60% तक बढ़ जाती है और इससे भी जो कहीं ज्यादा पावरफुल है वो सिल्वर लेवल अवेकनिंग है जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है और इसकी जो कॉम्बैट पावर है वो 100% बढ़ गई है। और मेन बॉडी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग के अंदर जो सबसे डरावनी और रेयरेस्ट चीज है वो गोल्ड लेवल की सेकंड अवेकनिंग है। और मेन बॉडी मार्शल सोल के पीछे जो लाइट एंड शेडो होती है वो गोल्डन होती है। और कभी अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे सोल मास्टर से होता है तो कोशिश करना कि तुम उससे डायरेक्ट फाइट ना करो, क्योंकि जब वो अपनी मार्शल सोल्स की सेकंड अवेकनिंग को परफॉर्म करते हैं तो उनकी जो अटैक पावर है वो ओरिजिनली 3 गुना बढ़ जाती है और वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और इनकी सेकंड अवेकनिंग की यूननेस की वजह से बॉडी सेक्ट ने कभी भी सोल टूल डेवलपमेंट को सीरियसली नहीं लिया। और जब फ्यूचर में तुम्हारी मुलाकात उनसे होगी तब तुम उनसे काफी केयरफुल रहना। और मुलाव की इन सारी बातों को याद करने के बाद युहाओ वांग यांग फैंग की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा दिखता है कि जो वांग यांग की सेकंड अवेकनिंग है वो ब्रोंज लेवल की है। और वांग यांग फैंग को ऐसे खुलेआम अटैक करता था कि युहाओ मुंह बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में अपनी आइडेंटिटी को और ज्यादा छिपाने की जरूरत नहीं है? और तभी वांग यांग फैंग युहाओ के ऊपर अपनी पावर से अटैक करने लगता है और इस चीज को देखकर रेफरी भी काफी हैरान होते हुए कहता है, एरिना के ग्राउंड के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा है। और तभी वांग यांग फैंग युहाओ के ऊपर अपने हाथों से अटैक करते हुए खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पास बॉडी सोल के साथ साथ सोल एम्परर का कल्टिवेटर है और तो और मुझे सेकंड अवेकनिंग से काफी पावरफुल कॉम्बैट पावर मिली है और ये संभव नहीं हो सकता है, तुम इसे रोक सको। जबकि इस तरफ युहाओ मुस्कुरा रहा होता है और इस चीज को देख के वांग यांग फैंग और भी ज्यादा चौंक जाता है और यह कहता है, आखिर क्यों तुम अभी स्माइल कर रहे हो? और तभी हम वांग यांग फोन के पास किसी तरीके के डार्क रे को देखते हैं, जिसकी वजह से इसे काफी अजीब सा लगने लगता है। और जैसे ही ये अपने आप को संभाल के सामने देखता है तो पाता है कि इसके जो ये 2 पाम अटैक्स थे वो इसी की तरफ आ रहे होते हैं। और इस चीज को देख के ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मैं कैसे अपने खुद के अटैक के साथ डील कर सकता हूँ? और हम देखते हैं युहाओ हवा में आ गया होता है। ऐसा इसलिए हुआ है कि युहाओ ने जू सांसी की पावर को इस्तेमाल करके अपनी और उसकी पोजीशन को चेंज कर लिया है। जबकि इस तरफ वांग यांग फैंग अपने ही अटैक्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो इसकी काफी गंदी वाली फट जाती है और ये चिल्लाते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ, इसे रोको, मैं हार मानता हूँ। और इस चीज को सुनकर रेफरी वेना और ऑडियंस सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि इस तरफ जू सांसी मुस्कुराते हुए कहता है, ये हुआ युहाओ उतना भी बुरा नहीं है और अब समझ में आया कि क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए थे। असल में तो तुम मेरी मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड डिस्प्लेसमेंट टेक्निक को कॉपी करना चाहते थे। और तभी हम देखते हैं रेफरी वांग यांग फैन के आगे आ जाता है और अपनी इनविंसिबल शील्ड से इसे प्रोटेक्ट करने लगता है। और वांग यांग फैंग के अटैक के हिट करने की वजह से अरीना के अंदर काफी बड़ा और तगड़ा ब्लास्ट होता है। जबकि इस तरफ युहाओ खुश होते हुए मन में कहता है, इस सोल स्किल को मैंने स्टार डुओ ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर ऑप्टन किया था और इसे स्पिरिचुअल इंग्रेविंग भी कहते हैं। वैसे तो इसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बाजी को पलटने के लिए ये काफी होती है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से जो एरिना होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया होता है और इसको देख के ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये तो अभी सिर्फ पहला ही गेम था, लेकिन अभी से ही एरिना इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है
और यहाँ तक कि अगर यह रान रॉबिन भी होता तब भी इसे फिक्स करना इम्पॉसिबल होता। जबकि रेफरी अनाउंस करता है टैंक सेक्ट और स्नो डिमन सेक्ट के बीच में जो इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल के अंदर फर्स्ट मैच में टैंक सेक्ट जीता है और इस दौरान युहाओ मिल्क बोतल को कंज्यूम कर रहा होता है और इसे ऐसा करते देख डोंगर कहती है ये तो सच में इस बारी मिल्क बोतल को इस्तेमाल कर रहा है। जबकि वांग यांग फैंग पूरी तरीके से हैरान होता है और यह कहता है आखिर ये अभी अभी क्या हुआ और आखिर मैं कैसे हार गया। और फिर ये बंदा उदास हो यहाँ से जाने लगता है और बी बी कहता है बॉडी सेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो वास्तव में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लेकिन ये भी अनप्रेडिक्टेबल है और इसने अपने इमिटेशन सोल स्किल से तब अटैक किया अपने अपोनेंट के ऊपर जब वो अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर रहा था और फर्स्ट मूव के लिए इसने अपनी स्प्लिट आइस की फिफत सोल स्किल को इस्तेमाल किया। युहाओ तुम सच में काफी अमेजिंग हो। जबकि इस तरफ वैना थोड़ी सी गुस्सा हो गई होती है और यह किसी की तरफ इशारा करती है और फिर रेफरी अरेना के अंदर कहता है दोनों ही पार्टीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए। जिस पर युहाओ का अपोनेंट कहता है स्नो डिमन सेक्ट चैन लू और जब चैन लू और यह एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो वांग डोंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है आखिर उस बंदे की नजरें ऐसी क्यों है और इस वजह से मुझे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिस पर बीबी इसे शांत करते हुए कहता है वो तो बस ऐसा ही दिखता है। और तभी एरिना के अंदर रेफरी बैटल को शुरू कर देता है तो ये जो बंदा चैनल होता है ये काफी तेजी से युहाओ की तरफ भागने लगता है और ये काफी तेजी से स्लाइड मारकर युहाओ की तरफ बढ़ने लगता है और इसे ऐसा करता देख रेफरी भी मन में कहता है ये बंदा काफी स्मार्ट तरीके से फाइट कर रहा है क्योंकि इसने सबसे पहले उसकी व्हील चेयर पे ही अटैक किया है। वैसे तो ये काफी गिरी हुई हरकत है लेकिन तब भी यह जो मेथड है ये काफी ज्यादा असरदार होगा। और इस बंदे को ऐसा करते देख डोंगर और बीबी भी ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चौक हुए कहते हैं ये बंदा तो वाकई में काफी नीच और गिरा हुआ है। और जब ये बंदा युहाओ की व्हील चेयर के ऊपर अपनी किक से अटैक करने ही वाला होता है तो ये खुश होते हुए मन में कहता है बस इसके टुकड़े टुकड़े हो ही गए। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे वहाँ से युहाओ की व्हील चेयर डिसअपीयर हो जाता है और इसे देख के इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है आखिर वह लड़का और बच्चे व्हील चेयर के साथ कहां गायब हो गए। जबकि इस तरफ रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसने पक्का अपने आप को छिपाने के लिए किसी तरीके के ट्रिक को इस्तेमाल किया होगा। चलो अब समय हो गया है सामने आने का। और इतना कह के ये अपने किकों से हवा के अंदर शॉक वेव्स को जनरेट करता है और इसके काफी सारे किक की जो शॉक वेव्स होती है वो वेस्ट चली जाती है। लेकिन इसकी जो लास्ट वाली की शॉक वेव होती है वो किसी चीज से टकरा जाती है और हम देखते हैं कि इसने हुआ युहाओ को ही हिट किया होता है जिसकी वजह से युहाओ का जो इल्यूजन होता है वो टूट जाता है। और तो और हुआ युहाओ थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है और युहाओ को देख के ये चैन लग खुश होते हुए कहता है तो तुम यहाँ पे छिपे हुए थे और ये वाकई में काफी अच्छी चालाकी थी लेकिन अब तुम मेरे अटैक को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और यह कहते हुए ये बंदा अपनी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। और तो और इसके जो पैर होते हैं वो और भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं और इस चीज को देखकर युहाओ भी हैरान होते हुए कहता है तो इसकी मार्शल सोल इसके लेग्स हैं और इस चैन लू के जो पहर होते हैं ये हल्की तरह इसके कपड़ों को फाड़ देते हैं। जिसके बाद चैनल एक काफी खतरनाक किक युहाओ के ऊपर करते हुए कहता है लो अब मेरे इस किक को संभालो। और इतना कह कि ये युहाओ के ऊपर एक काफी खतरनाक किक से अटैक कर देता है और इसकी किक वाकई में काफी जोर से युहाओ को हिट करती है और ये युहाओ की धज्जियां उड़ाते हुए उसके आर पार निकल जाता है और यह कहता है इसकी बॉडी तो फूट के चिथड़े उड़ गए हैं। जबकि इस सीन को देख के वांग डोंग और बी बी ये दोनों भी काफी हैरान होते हैं और बंदा भी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है भैंस की टंगी वापस से उसी ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है। और तभी हम इस बंदे के पीछे किसी तरीके की लाइट को देखते हैं और तभी युहाओ ने इसके पीछे से इसके ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये बंदा युहाओ को नोटिस कर लेता है और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की सोल रिंग को इस्तेमाल करता है जिसे देखकर युहाओ कहता है आखिरकार इसकी मार्शल सोल सामने आ ही गई। और हम देखते हैं कि चैन लू ने बॉडी सोल के फिफत सोल स्किल को इस्तेमाल किया होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर एक सोल बीस्ट सा अपीयर हो जाता है और यह यूई के काफी खतरनाक अटैक को ब्लॉक भी कर लेता है। लेकिन तभी युहाओ स्नो एम्प्रेस की भी पावर को इस्तेमाल करता है और इस बंदे को बर्फ में जमा देता है और फिर युहाओ कहता है कि इसकी बॉडी तो फ्रॉग की है लेकिन इसका जो सिर है वो ड्रैगन का है और यह वाकई में काफी अजीब सी मार्शल सोल है। वैसे तो इसने मेरे फर्स्ट अटैक को ब्लॉक कर लिया
लेकिन अब भी काफी सारे अटैक्स इसका इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद युहाओ चन लो के ऊपर डार्क गोल्डन सेवेज क्लोज कंप्लीट वर्जन सेट अटैक कर देता है और चैन लू भी युहाओ के इतने खतरनाक अटैक को नोटिस कर लेता है और युहाओ का खतरनाक सा अटैक इसके लगता उससे पहले ही यह इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है जो कि युहाओ के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसकी वजह से चैनल को मौका मिल जाता है और ये तुरंत ही इसके ऊपर जो बर्फ लगी हुई होती है उसे तोड़ के हवा में आ जाता है और चैन लू को ऐसे दुम दुबा के हवा में आता देख के ऑडियंस भी इस पे हंसते हुए कहती है, इस बंदे का तो मजाक बन के रह गया है और यह हर दम किसी ना किसी तरीके से अपने अपोनेंट से पिट रहा है, तो क्या बस इस नो डिमन सेक्ट के पास इतना ही जोर है। जबकि इस तरफ हम चैन लू को देखते हैं जिसके पसीने छूटे हुए होते हैं और ये गुस्से से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस जैसे एक निथल्ले कुचले हुए पसंद को बार बार मेरे ऊपर दबदबा नहीं बनाने दूंगा। जिसके बाद ये तुरंत ही बॉडी सोल की सेकंड अवेकनिंग को इस्तेमाल करने लगता है जिसकी वजह से इसके पैरों की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये चिल्लाते हुए युहाओ से कहता है, भाड़ में जाओ। और इतना कह के ये युहाओ के ऊपर मिट्योज लीक स्प्लिटिंग द स्काई का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक कर देता है। जबकि इस तरफ युहाओ भी इस खतरनाक अटैक को फेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और तभी युहाओ की फिंगर पे एक रिंग अपीयर होती है जिसके अंदर से शील्ड ऑफ लाइफ रिफ्लेक्शन अपीयर होती है और ये शील्ड वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि इसे और किसी ने नहीं बल्कि स्काई ड्रीम ने युहाओ को दिया है। और जैसे चैनल का अटैक युहाओ को हिट करता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और इतने ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट की वजह से एरिना के चिथड़े उड़ जाते हैं और इस नजारे को देखकर ऑडियंस के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं, हे भगवान, ये कितना ज्यादा इनक्रेडिबल नजारा है, क्योंकि मेटल का जो प्लेटफॉर्म है वो असल में क्रैक हो चुका है। और तभी हम इतने खतरनाक ब्लास्ट के अंदर से चैन लू को बाहर निकलते हुए देखते हैं जिसके पैरों की हालत वाकई में काफी ज्यादा बुरी और खराब हो गई होती है और यह एरिना के अंदर काफी दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं कि इसके पैरों की जो हड्डियां हैं वो भी टूट चुकी हैं और इसकी ऐसी हालत को देख के वैना भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि युहाओ स्काईड्रीम से पूछता है, क्या तुम अब भी ठीक हो, जिस पर रिंग के अंदर से स्काईड्रीम कहता है, मैं ठीक हूँ। वो वाकई में इनक्रेडिबली स्ट्रांग वाइटल फोर्स थी, हालांकि उस वाइटल फोर्स को एब्जॉर्ब करके रिकवर करने में मुझे थोड़े समय की जरूरत होगी और अगले 15 मिनट तक मैं तुम्हारी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर अपोनेंट इस तरीके के अटैक को इस्तेमाल करता है तो इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम पहले से ही अपने आप को तैयार कर लो। और तभी रेफरी अनाउंस करता है, इंडिविजुअल एलिमिनेशन राउंड के सेकंड बैटल को टांग सेक्ट की हुआ युहाओ ने जीत लिया है। जबकि इस तरफ युहाओ मनी मन खुश होते हुए कहता है, ये वाकई में बहुत ही अच्छा है और इससे जो सिर्फ 15 मिनट लग रहे हैं पूरी तरीके से रिकवर होने में, ये चीज वाकई में मेरी एक्सपेक्टेशन से परे है। जबकि इस तरफ वैना थोड़ी सी परेशान होती है और यह मन में कहती है, युहाओ लगातार दो बैटल्स को जीत चुका है और आखिर अब हमें अगली बैटल के अंदर क्या करना चाहिए। और यह एक एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सिचुएशन है स्नो डिमन सेक्ट के लिए और इस चीज को देख के मुझे अभी से ही काफी ज्यादा चिंता हो रही ही है क्योंकि टांग सेक्ट के जो सोल एम्परर लेवल के वॉरियर्स हैं उनका मैदान में उतरना अभी भी बाकी है। और तभी अचानक से वही ना के पीछे से एक काफी हट्टा कट्टा आदमी कहता है, इसे मुझ पर छोड़ दो। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ इस बंदे को देख के काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है, मैं इस बंदे के मुकाबले का बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।